शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने गुरुओं को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए शिक्षा का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि गुरु वही है जिसके विद्यार्थी तरक्की करें। शिक्षक दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों में शिक्षकों का सम्मान किया गया है। बता दें कि भोपाल और उज्जैन में शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आगामी समय में सीएम राइज स्कूलों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और बेहतर होगी। हमारा प्रयास रहेगा कि प्रत्येक विद्यालय में छात्रों को मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को देश का नंबर वन राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षक दिवस के अवसर पर मेरी अपनी ओर से उच्च शिक्षा विभाग के साथ साथ हमारे अपने खासकर स्कूल शिक्षा विभाग ने आज शिक्षक दिवस का बहुत अच्छा आयोजन किया है। पूरे प्रदेश के शिक्षकों को एक साथ अलग अलग विधाओं में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। मैं स्वयं माधवनगर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से एक्सीलेंस कॉलेज से जुड़ा हूँ। अलग अलग विधा के सभी शिक्षकों को सम्मानित करके शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने ये जो अभियान चलाया है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी, उनके सारे सहयोगियों को और सारे मित्रों को सबको बधाई देता हूँ। और जिस प्रकार से वर्तमान का समय चल रहा है, आने वाले समय में सीएम राइज स्कूलों के बनने के बाद हमारी गुणवत्ता और अच्छी रहेगी। हमारा प्रयास रहेगा प्रत्येक विद्यालय के अंदर मूलभूत सुविधाएं देते हुए शिक्षा का स्तर भी बनाए रखना हो और शिक्षा की गुणवत्ता के बलबूते पर हम अपने प्रदेश को नंबर वन का राज्य बनाए। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।